हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम छोटे बच्चे के लिए स्लीव की कटिंग करेंगे। जैसे 1 साल के बेबी के लिए हमें स्लीव की कटिंग करनी है, तो यहाँ पे हमें जैसे गर्मी के मौसम में हम पेटीकोट भी, छोटा सा पेटीकोट जो होते हैं वो भी बोलते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको ये सिंपल सी स्लीव जो है वो बनाते हैं। यहाँ पे हमें इसको इस तरह से लेना है। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ पे हमें इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। जैसे लंबाई हमारी 14 इंच, 13 इंच तैयार हो जाएगी। 14 इंच लिए हमने। यहाँ पे हमें इसको इस तरह से सीधा लेना है। यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है गले के लिए। शोल्डर लेना है हमें 4.5 इंच पे। यहाँ पे हमें आर्मोल लेना है 4.5 इंच। यहाँ पे हमें गला लेना है 3 इंच पे। इस तरह से अभी यहाँ पे हमें ये जो गोलाई है वो देनी है 1 इंच पे। अभी यहाँ पे हमें चेस्ट का 1/4 है हमारा 5.5 इंच, इसके आगे हमने 1 इंच लिया है। यहाँ पे हमें गले के लिए गोलाई देनी है। अब यहाँ हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट और बैक साइड का गला जो है उसको साथ में ही हम कट करेंगे। बाद में हम बैक साइड का गला जो है वो आपको बड़ा बनाना है। यहाँ पे हमें सीधा लेना है। इस तरह से हमने ये स्लीव की कटिंग की है। ये देखिए, यहाँ पे हमारी ये स्लीव की कटिंग जो है इस तरह से आती है। आप छोटे बच्चे के लिए ये स्लीव जो है वो बना सकते हैं। और बैक साइड का जो नेक है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। आप चाहे तो बीच में आपको हुक और आई की पट्टी जो है वो बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो ये आर्मोल लिया है, आर्मोल को हमें क्या करना है, पाइपिंग, जैसे पाइपिंग बनाते हैं उस तरह से बैक और फ्रंट साइड में आर्मोल को पाइपिंग लगानी है। इस साइड में भी आपको ऐसे ही करना है। गले के लिए भी आपको पाइपिंग लगानी है। शोल्डर को हम अटैच करके यहाँ पे की जो नीचे के साइड में थोड़ा सा 1/2 इंच का इस तरह से फोल्ड करना है। और यहाँ पे आपको ये फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सिंपल सी स्लीव जो है वो कट करके दिखाई है। तो इसकी स्टिचिंग जो है मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।